नमस्कार अध्यापिका जी, मेरी नाम प्रीति है। आज मैं चीची का पनी का कहानी सुनाने जा रही हूँ और इस कहानी में मैं एक नया मोड़ भी डाली हूँ। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। चीची का पनी। एक चूहा था, उसका नाम था चीची। चीची बहुत दिनों से पनी खाने का मन कर रहा था। उस रात वह पनी का दुकान चला गया। चीची ने एक बिल्ली को देखा। वह डरते हुए अपने बिल में लौट आया। उस सुबह चीची ने देखा कि उसकी बिल के सामने ही एक बड़ा सा पनी का टुकड़ा मिला था। चीची खुशी से झूम उठा। खुशी से मारे चीची को समझ में नहीं आ रहा था ये पनीर स्वादिष्ट कैसे खाए। चीची ने दौड़ते हुए अपने दोस्त मीची के पास गया। चीची ने हाँफते हुए बोला कि देखो आज मैं पनीर का टुकड़ा मिला है, तुम्हें बता सकते हैं ये पनीर स्वादिष्ट कैसे खाए। मीची ने कहा, नमक में मिलाकर खाओ। रास्ते में उसे याद आया कि उसके पास नमक तो है ही नहीं। चीची ने उसके दूसरे दोस्त छोटू के पास गया। छोटू हलवाई का काम करता है। चीची ने छोटू से कहा कि तुम बता सकते हैं कि यह पनीर स्वादिष्ट कैसे खाए। छोटू ने कहा, चीनी में लपेट कर खाओ, इतनी स्वाद बताएगा कि तुम्हें क्या बताए। मेरे पास चीनी तो है ही नहीं, तुम ही दे दो ना थोड़ी सी चीनी। छोटू उसके दुकान से थोड़ी सी चीनी दे दिया। रास्ते में उसे याद आया कि आया और उसके दूसरे दोस्त गिन्नू के घर गया। चीची ने देखा कि उसका बेटा बीमार है और गिन्नू उदास है। गिन्नू ने कहा कि मेरा बेटा बीमार है और आज सुबह वह पनीर खाने का जिद कर रहा है, मुझे पनीर कहाँ मिलेगा। यह सुनकर चीची का दिल भर आया। जितनी बार उसे खाने की सोचता वह गिन्नू का बेटा का चेहरा याद आया और वह पनीर को गिन्नू का बेटा दे दिया। इतनी खुशी शायद उसे खाने से नहीं मिलती। अब इस कहानी में हमें संज्ञा करेगा वस्तु पनीर और नमक, व्यक्ति चीची और मीची, पशु पक्षी चूहा और बिल्ली, स्थान दुकान और बिल। धन्यवाद।